दमयंती नलभ्याम नमस्कारम करोम्यहम् एविवादो भवित्तत्रय कली दोष प्रशांते। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि जो इतिहास और हमारे संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य वैदिक हेरिटेज पांडुलिपि शोध संस्थान एवं विश्व गुरुदीप आश्रम जयपुर द्वारा जो किया जा रहा है, राजस्थान संस्कृत अकादमी ने जिस तरीके से इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और उसको पिछले दिनों से लगभग एक वित्तीय वर्ष में एक परियोजना को राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली के तत्वाधान में पूर्ण किया है, उसमें आप राजस्थान संस्कृत अकादमी की अध्यक्षा डॉक्टर सरोज कोचर जी, महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज एवं आज हमारे यहाँ पधारे हुए, जो अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि देव प्रयाग राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के निदेशक महोदय डॉक्टर प्रोफेसर विजयपाल शास्त्री जी, आपने पांडुलिपि के क्षेत्र में जो योगदान संपूर्ण देश में दिया है उसके लिए हम आपको नमन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। इस स्वागत की परंपरा में मैं सबसे पहले आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी एवं महामंडलेश्वर महाराज जी से निवेदन करूंगा कि प्रोफेसर साहब का माल्य अर्पण कर स्वागत करें। आज हम यहाँ पर संख्या में बहुत कम हैं और संख्या में कम होना स्वाभाविक है, क्योंकि दुर्लभ कार्य करने के लिए दुर्लभ ही व्यक्तित्व होते हैं, तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य को करते हुए हमें जो सानिध्य जिन विद्वानों का प्राप्त हो रहा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैं राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली में जब पांडुलिपि डिप्लोमा करने के लिए गया तो वहाँ से गुजरात से एक प्रोफेसर एक स्पेशल लेक्चर देने के लिए आए थे, प्रोफेसर बसंत भट्ट जी। तो उनका लेक्चर हुआ और लेक्चर होने के बाद में मैंने कुछ उनमें प्रश्न उठाए तो अंत में उन्होंने मेरे से ये पूछा कि आप मूर्ते कहाँ से हो, तो मैं कहा राजस्थान से। कि राजस्थान में कहाँ से हो, जयपुर से। तो कि आपका अध्ययन कहाँ हुआ है, तो मैंने बताया कि दादू महाविद्यालय। तो उन्होंने जैसे ही मैंने दादू महाविद्यालय का नाम लिया तो उन्होंने कहा कि प्रोफेसर विजयपाल शास्त्री जी इसको जानते हो, मैं कहा मेरे गुरुजी रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब आपके गुरुजी रहे हैं तो आपका प्रश्न उठाना स्वाभाविक है, वो आपको शायद पता है या नहीं है, देश में शारदा लिपि के एकमात्र अधिकृत विद्वान हैं। मुझे इतना गौरव महसूस हुआ कि संपूर्ण देश में आपको पांडुलिपि के क्षेत्र में एक अधिकार प्राप्त है और आप इसी राजस्थान की धरती पर जन्मे और आपका सानिध्य हमको गुरु रूप में प्राप्त हुआ, इसके लिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। और मेरे मात्र एक निवेदन पर आप इतने सरल हैं कि देव प्रयाग से कल ही शाम को मुझे कहा कि मैं कल आ रहा हूँ, पूरे दिन आप जैसे भी उपयोग करना चाहें वैसे कीजिए, इस काम के लिए मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ, मुझे कोई राजकीय बंधन भी नहीं है, क्योंकि मैं इसी ही कार्य के लिए अपने आप को पाता हूँ। तो ऐसे महामनीषी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करता हूँ कि आप पांडुलिपि के महत्व, वर्तमान में उपयोगिता, इससे संबंधित एक व्याख्यान यहाँ प्रस्तुत करें, जिससे केवल हम लोग ही नहीं संपूर्ण देश लाभान्वित हो। आपको प्रणाम। ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। परम पूज्य विश्वगुरु दीपाश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज, संस्कृत अकादमी की आदरणीय अध्यक्षा विदुषी बहन सरोज कोचर जी, हमारे पांडुलिपि के मिशन में बड़ी निष्ठा से जुड़े हुए बहुत ही कर्मठ और बहुत ही
निष्ठावान विद्वान प्रिय हमारे सुरेंद्र जी, उपस्थित सभी बंधुजनों, सुरेंद्र जी जिस निष्ठा से लगे हुए हैं, एक छात्र के नाते भी एक आत्मीय भाव है इनके प्रति मेरा। सबसे बड़ी बात इनकी जो निष्ठा है, जो श्रद्धा है, वो अतुलनीय है और मुझे समय समय पर प्रेरित करते रहते हैं कि हम इतना काम कर रहे हैं अकादमी के माध्यम से, ये सब हो रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं एक बात को बहुत महत्व देता हूँ, हमारे संस्कारों में जो श्रद्धा है वो सबसे महनीय है। मनुष्य के कल्याण के लिए श्रद्धा और विवेक ये सर्वोपरि है, उनमें भी सबसे पहले श्रद्धा है। जितनी गहन श्रद्धा होगी, जितनी प्रबल श्रद्धा होगी, उतनी ही हमारे लक्ष्य के प्रति, हमारे शुभ के प्रति हमारे अंदर वीरता आएगी। श्रद्धा वीरता का मूल है, तो आपकी जो श्रद्धा है वो आपकी वीरता का, आपके पराक्रम का, आपकी निष्ठा का मूल है, उसी से प्रेरित होकर मैं आया हूँ। तो ये बड़ी खुशी की बात है और मैं भी श्रद्धा से अभिभूत होकर ही इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, तो हमारी एक सामंजस्य की स्थिति बड़ी विशेष है। और इस प्रसंग से आदरणीय बहन जी का भी संपर्क हो गया है, पहले मैं बहुत परिचित नहीं था, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप इतनी बड़ी एक विशेष जो प्राचीन संस्था है हमारी संस्कृत अकादमी, उसका नेतृत्व करते हुए राजस्थान में पांडुलिपि संरक्षण का और पांडुलिपियों के संपादन की दिशा में भी योजना का एक बड़ा एक मुख्य उद्देश्य लेकर चल रही है, बहुत बड़ी बात है। ये हमारे लिए बड़ी ही सौभाग्य की और गरिमा की बात है। देखिए, भारतवर्ष को जगतगुरु कहते हैं और प्राचीन काल से जगतगुरु था। भूमंडल पर जो विद्या का प्रसार हुआ है भारतवर्ष के माध्यम से, अरबों के माध्यम से हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ, ज्योतिष के ग्रंथ उधर गए, वहाँ से यूरोप गए और आज एक स्वर से सब लोग मानते हैं, पृथ्वी के लोग, कि सारे विज्ञान की जो धुरी है, मूल है, शून्य है और शून्य को देने वाले भारतवर्ष वाले हैं। तो जितना भी एक विकास हो रहा है उसके मूल में भारतीय विज्ञान रहा है, भारतीय प्रेरणा रही है। और मनुजी महाराज तो कहते हैं, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। तो हमारे यहाँ अध्यात्म विद्या को सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। गीता में भगवान कृष्ण का वचन है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम वादः प्रवदताम। तो अध्यात्म विद्या का जो उच्च स्वरूप हमारे ऋषि मुनियों में था, उनकी जो ऋतंभरा प्रज्ञा थी, उनकी जो योग की शक्ति से सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट को देखने की जो अद्भुत क्षमता थी, उससे विलक्षण ज्ञान विज्ञान की उन्नति हुई है। आप देखिए, जिन बातों को आज यंत्रों से प्रमाणित कर रहे हैं, आविष्कृत कर रहे हैं, वो हमारे ऋषि मुनियों ने समाधि बल से बहुत पुराने काल में जान ली थी। आयुर्वेद में कितने तथ्य हैं जिनको आज आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाणित कर रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको कहूँ, कुछ दिन पहले एक अन्वेषण हुआ कि आहार का मनुष्य के मन के ऊपर, मनुष्य के तन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। दो वर्ग बनाए गए, एक को राजसिक तामसिक आहार दिया गया 6 मास तक, दूसरे को सात्विक फलाहार शाकाहार गाय का दूध इत्यादि जो हमारा सात्विक भोजन है वो दिया गया। तो वैज्ञानिकों ने परिणाम देखकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया कि जो सात्विक भोजन करने वाले थे उनका मन शांत हो गया, उनका मन एकाग्र हो गया, उनका मन प्रसन्न प्रफुल्लित रहने लगा, और जो राजसिक और तामसिक आहार करने वाले व्यक्ति थे उनके मन में आक्रोश, बेचैनी, क्रोध, ग्लानि और व्याकुलता ये भाव बढ़ गए। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि सात्विक भोजन करने वाले के मन की खुशी का लेवल बढ़ जाता है। अब ये तो आज अनुसंधान किया है, और गीता में तो मैंने अभी गीता का एक वाक्य बोला, अध्यात्म विद्या विद्या नाम, सबसे श्रेष्ठ विद्या अध्यात्म विद्या है।
तो गीता में ये बात 5000 साल पहले बड़े स्पष्ट शब्दों में कही गई और कहते हैं आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। कहते सुख प्रीति विवर्धना, मन में सुख और प्रीति प्रसन्नता के स्तर को बढ़ाने वाले सात्विक भोजन। अब ये बात तो हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बोल दी थी, आप परीक्षण करके उसको ये लोग जान पा रहे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हमारी जो अध्यात्म विद्या है, योग विद्या है, उससे गहन तत्वों को बहुत पहले हमारे ऋषि मुनियों ने जान लिया था, उस ज्ञान को ग्रंथबद्ध किया, उस ज्ञान को संसार में प्रचारित किया। और दुर्भाग्य की बात है कि विदेशी आक्रमणों के बाद उसका जो महत्व है उसको कम आंका गया और अपनी जो शिक्षा प्रणाली थी, अपनी जो चिकित्सा प्रणाली थी, अपनी जो न्याय प्रणाली थी उसको छोड़ दिया। उसके कारण देश की दुर्दशा है। अभी उन्हीं संस्कारों को, उन्हीं शिक्षण के सूत्रों को यदि हम केंद्र बिंदु में रखकर देश की नीति निर्धारित करते हैं तो आज भी ये देश विश्वगुरु की योग्यता रखता है। सौभाग्य से हम ऐसे आश्रम में बैठे हैं जिसका नाम ही विश्वगुरुदीप आश्रम है और उसमें विश्वगुरुत्व का जो हमारा गुण था वो था ज्ञान और वो हमारा प्राचीन पांडुलिपियों में समाहित है, सुरक्षित है। कितने विदेशी आक्रमण हुए, कितनी हमारी लाइब्रेरियां जलाई गई, कितने ग्रंथों को नष्ट किया गया, उसके बाद भी इतनी राशि आज उपलब्ध है कि संसार चकित है। किस क्षेत्र में हमारे ऋषि मुनियों का तलस्पर्शी ज्ञान नहीं था, मैं एक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। 1905 की बात है, मैसूर का जो पांडुलिपि संग्रहालय है उसका नाम है प्राच्य विद्या संशोधनालय मैसूर, मैसूर विश्वविद्यालय के साथ जुड़ा हुआ एक विभाग है। तो उस समय श्याम शास्त्री जी नाम के विद्वान वहाँ अध्यक्ष हुआ करते थे। एक ब्राह्मण उनके पास ताड़पत्रों का एक पुलिंदा लाया और कहा हमारे घर में रखा हुआ है, आपके किसी काम आ जाए तो इसको रख लो, देख लेना। उन्होंने खोल के उसको पढ़ा तो वो कौटिल्य अर्थशास्त्र, आजकल कौटिल्य बोलते हैं, वो शब्द गलत है, वस्तुतः उनका नाम, आचार्य का नाम कौटिल्य है और कौटिल्य का जो वास्तविक अर्थ है वो है कुटो घटस्तम लांतीति कुटला कुंभी धान्या त्यागशीला ब्राह्मणा और तेषाम गोत्रापत्यम कौटिल्य है। संस्कृत में कुट कहते हैं घड़े को और जो कुटला अर्थात घड़े में ही अपनी आवश्यकता भर का धान्य रखते थे, संग्रह परायण नहीं थे, ये त्यागशील ब्राह्मण थे, उनका कुल जो है वो कुटल होता था, उनको कुटल कहते थे और कुटल जो ब्राह्मण थे उनके गोत्रापत्य को कौटिल्य कहते हैं। यहाँ ई की मात्रा कहीं भी नहीं है, आजकल शब्द गए हम कौटिल्य कौटिल्य लिखते हैं वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, ये जो व्युत्पत्ति मैंने सुनाई है ये 12वीं शताब्दी के जैन विद्वान हेमचंद्राचार्य की अभिधान चिंतामणि की सोपज्य टीका में लिखी हुई है, क्योंकि 12वीं शताब्दी तक ये परंपरा थी कि वो वास्तविक शब्दार्थ को जानते थे। अच्छा, श्याम शास्त्री जी ने और ती गणपति शास्त्री जी ने कौटिल्य अर्थशास्त्र के जितने हस्तलिखित ग्रंथ प्राप्त किए सभी में कौटिल्य लिखा हुआ, एक मात्रिका में भी कौटिल्य इकार घटित शब्द नहीं था। तो उनका शुद्ध नाम कौटिल्य है और ये गोत्र नाम है, तो कुटल गोत्र में उत्पन्न हुए, कुटल ब्राह्मणों के जो गोत्र में उत्पन्न हुए उनको कौटिल्य कहते हैं। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने लगभग 17 अपने से पुराने अर्थशास्त्रीय जो विद्वान थे उनके मतों का उल्लेख किया है और अपने मत का इति कौटिल्य कहकर निर्देश किया है। तो कोई व्यक्ति अपने नाम का जो गोत्र नाम है उसका एक बड़े गौरव के साथ उल्लेख करता है तो उनका जो अपना शुद्ध नाम है वो कौटिल्य है। तो मैं बता रहा था कि कौटिल्य अर्थशास्त्र जो पहली बार ताड़पत्र के रूप में मैसूर ग्रंथालय में आया, उसको देखा तो वो चकित रह गए, क्योंकि उससे पहले कौटिल्य अर्थशास्त्र की चर्चा तो थी, इतिहास में उल्लेख तो था, परंतु ग्रंथ प्रकाशित नहीं था। पुरानी परंपरा यही थी, हस्तलिखित ग्रंथ होते थे, जो विद्वान होते थे, विद्यालय होते थे, पाठशालाएं होती थी, उनमें वो रहते थे, कॉपी करते रहते थे, तो उसकी कोई चर्चा नहीं थी, लोग मान चुके थे कि वो लुप्त हो चुका है। परंतु जब वो पहली बार सामने आया, उन्होंने देखा
तो पढ़कर आश्चर्यचकित हो गए। पूरा कौटिल्य अर्थशास्त्र अद्भुत रचना है वो, कौटिल्येन नरेन्द्रार्थे शासनस्य विधिकृतः, वहाँ लिखा हुआ है। दृष्ट्वा विप्रतिपत्तिम बहुधा शास्त्रेषु भाष्यकाराणाम स्वयमेव विष्णुगुप्तश्चकार सूत्रम च भाष्यम च, ये उन्होंने कहा है। तो इस प्रकार का जब वो अर्थशास्त्र सामने आया तो वो बड़े चकित हुए, उन्होंने उसको ध्यान से पढ़ा, संपादन करके पहली बार उन्होंने प्रकाशित किया। जब वो प्रकाशित हुआ तो कुछ अंग्रेज़ों का राज्य था, कुछ जो ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय गौरव को पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने बड़े आक्षेप किए, ये जाली रचना है, ये वास्तविक नहीं है, ये किसी ने बना के ऐसे ही कौटिल्य के नाम से प्रसारित कर दिया है। बड़ा विवाद खड़ा किया, बहुत से लेख लिखे लोगों ने, और इसको बिल्कुल उपेक्षित करने की, इसको निंदित करने की बहुत चेष्टाएँ की। परंतु ती गणपति शास्त्री ने जब उसका आमूलचूल अध्ययन करके ऐसे अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत किए जिनसे विदेशी लोगों को भी मानना पड़ा कि ये तो वास्तविक चाणक्य की रचना है, क्योंकि कौटिल्य अर्थशास्त्र के उद्धरण, उसके मत, उनकी चर्चा पुराने पूरे वाङ्मय में व्याप्त थी। किस किस को झुठलाओगे आप, कितने हस्तलिखित ग्रंथों में उसका उल्लेख था। महाकवि बाणभट्ट सुखनासोपदेश में कौटिल्य अर्थशास्त्र का उल्लेख करते हैं। कामंद की ये नीति सार जो बड़ी चर्चित रचना है वो कौटिल्य अर्थशास्त्र को ही आधार बना के श्लोकबद्ध रूप में लिखी गई है, उसमें कौटिल्य अर्थशास्त्र का आश्रय लिया गया, ऐसा उल्लेख स्पष्ट है, वो आचार्य को प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार कितने ही सैकड़ों प्रमाण हैं, और जो हमारा दंडी का दशकुमार चरित है उसके विस्तृत चरित में कौटिल्य अर्थशास्त्र की चर्चा है, और अनेक ग्रंथों अनेक ग्रंथों में उसके उदाहरण हैं। तो अंत में मानना पड़ा कि हाँ, कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है ये जाली रचना नहीं है, ये वास्तविक चाणक्य की रचना है, और मध्यकाल में इसका प्रचार कुछ विरल हो गया था विदेशी आक्रमणों के कारण, अब ये प्रकट हुई है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि किस क्षेत्र में हमारी तलस्पर्शी बड़ी उच्च कोटि की रचनाएं नहीं है। जब कौटिल्य अर्थशास्त्र प्रकाशित हुआ, उसके अनुवाद छपे, विदेशों में इसकी चर्चा हुई, तो सारे भूमंडल पर कौटिल्य अर्थशास्त्र के ऊपर बड़ा विवेचन हुआ। रशिया, जर्मनी, यूरोपियन भाषाएं, अमेरिका और सब चीनी, सब भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया, लोग उसका अध्ययन करने लगे, और लोग दांतों तले अंगुली दबाकर कहने लगे कि प्राचीन भारत में, हम तो सोच रहे थे केवल धार्मिक ग्रंथ ही हैं, वो प्राचीन भारत में राजनीति का इतना गहन, इतना सूक्ष्म चिंतन, ये तो बड़ा अद्भुत काम है। और वो हो भी क्यों ने, कितना बड़ा साम्राज्य था। कौटिल्य ने, आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ मिलकर विदेशी आक्रमणकारियों को धूल चटाई, परास्त किया, उनको बाहर निकाला, और कितना विशाल साम्राज्य, और कितना सुव्यवस्थित साम्राज्य, और कितना समृद्ध साम्राज्य दिया। तो वो इस प्रकार के राजनीतिक चिंतन, इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था, इस प्रकार के उच्च कोटि के प्रबंधन कौशल के बिना संभव नहीं था। तो ये एक प्रायोगिक ज्ञान था हमारा, तो कितने गौरव की बात है। अब आयुर्वेद को देख लीजिए आप, आज एलोपैथी चिकित्सा 200 साल से चली है, और आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है वो बिल्कुल वैज्ञानिक है। इस बात को आज पूरा विश्व मानता है कि हमारा शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, और पंचभूत में भी वात, पित्त, कफ, वात जो वायु का रूप है, पित्त जो अग्नि का रूप है, और कफ जो जल का रूप है, उनकी भूमिका मुख्य होती है, और इनके संतुलन से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, इनके असंतुलन से अस्वस्थ हो जाता है। और ये एकदम प्रायोगिक है। आप देखते हैं आयुर्वेद में तो बड़ा सुंदर विवेचन है, बड़ा वैज्ञानिक विवेचन है। आप देखते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को कमर में दर्द हो जाता है, प्रायः पीड़ा हो जाती है, तो कमर में दर्द है, पीड़ा है, गांव में कहते हैं कि भाई खट्टी चीज़ मत खाओ, खटाई खाने से दर्द बढ़ता है, तो हम खटाई ज़्यादा खाते हैं, नींबू खाते हैं, खट्टी चीज़ें खाते हैं, तो दर्द बढ़ जाता है। और जब हम उष्ण और स्निग्ध वस्तु का सेवन करते हैं तो दर्द शांत हो जाता है। तो ये कितना वैज्ञानिक तथ्य है। यदि आप तेल की मालिश करके रात को सो जाएंगे जहाँ दर्द हो रहा है, और उसके ऊपर भी यदि एरंड के पत्ते पर तेल चुपड़ के उसको गर्म करके पीड़ा वाले स्थान पर बांध कर सो जाएंगे प्रातः, दर्द गायब। तो ये एक बड़ा गूढ़ सिद्धांत है, और ये जन जन तक प्रचारित था, गाँव के अनपढ़ लोग भी इसको जानते थे। कहीं गुम चोट लग गई
मोच आ गई, दर्द हो रहा है, तो रात को क्या कहते थे कि भाई एरंड के तेल, एरंड के पत्तों पर तेल चुपड़ के उसको गर्म करो और उसको लपेट दो, ऊपर से पट्टी बांध दो, सुबह बिल्कुल दर्द गायब हो जाता था। तो ये क्या सिद्धांत है? ये सिद्धांत है वातपित्त कफ का सिद्धांत, और ये बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत है, और ये गांव-गांव में प्रचारित था। हम देखते हैं यदि किसी को जोड़ों में ज़्यादा दर्द है और वो खट्टी चीज़ खाता है तो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब हम खटाई छुड़वा देते हैं और इस प्रकार की जो वातकारक वस्तुएं उनके से वात शामक वस्तुएं हैं उनके सेवन का निर्देश देते हैं तो उस व्यक्ति की पीड़ा समाप्त हो जाती है। कितना वैज्ञानिक सिद्धांत आयुर्वेद का, और आयुर्वेद के कितने विशाल विशाल ग्रंथ रचे गए। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी की संहिता थी, 100,000 श्लोक उसमें थे, वाग्भट का कथन है। उसके बाद कुछ संक्षेप किया गया, आयुर्वेद के जो 8 अंग हैं, काय चिकित्सा इत्यादि, उनकी अलग अलग संहिताएं बनी। शल्य चिकित्सा की सुश्रुत संहिता अलग थी, और सुश्रुत के भी जो शिष्य थे वो अलग अलग जो वैतरण इत्यादि थे उन्होंने अलग अलग ग्रंथ बनाए थे। आजकल वो उपलब्ध ही नहीं है, बहुत कुछ साहित्य नष्ट हो गया। आत्रेय पुनर्वसु जो अग्निवेश के गुरु थे, जिन अग्निवेश ने अग्निवेश संहिता बनाई जो बाद में चरक संहिता के रूप में परिणत हो गई, चरक मुनि ने पीछे उसका प्रतिसंस्कार किया, उसमें उसमें परिवर्धन किया, संवर्धन किया, जो जो अनुभव आते जाते थे वो संहिताओं के साथ जोड़ देते थे, तो जो परिवर्धित संस्करण तैयार किया चरक मुनि ने, उसके बाद वो चरक संहिता के रूप में प्रचलित हो गई। अब हमारी जो चरक संहिता है ये अग्निवेश मुनि की अग्निवेश संहिता थी, और अग्निवेश के 5 सहाध्यायी और थे, उन 5 मुनियों ने अपनी अपनी संहिताएँ बनाई, उसके बारे में चरक संहिता में सूचना मिलती है। अग्निवेशश्च भेलश्च जतुकर्ण पराशर हारित क्षारपाणिश्च जग्रिहुस्तन मुनेर्वच है। वो जो मुनि थे आत्रेय पुनर्वसु, जिन्होंने इंद्र से आयुर्वेद विद्या पढ़ी थी, इसका भी एक बड़ा उत्तम पारंपरिक इतिहास है। हमारा जो हिमालय क्षेत्र है उसको हम स्वर्ग प्रदेश कहते थे, जैसे कालिदास जी लिखते हैं, पितु प्रदेशा तब स्वर्ग भूमय है, हे पार्वती जो तुम्हारे पिता का राज्य क्षेत्र है उसका नाम स्वर्ग भूमि है, आजकल उसको हम देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं। तो वहाँ ज्ञान विज्ञान का बड़ा प्रसार था, वहाँ के शासक को इंद्र बोलते थे। तो इंद्र से जब मुनियों ने आयुर्वेद का अध्ययन किया तो उन्होंने फिर उसको प्रचारित किया। तो आत्रेय पुनर्वसु बहुत बड़े आयुर्वेद के विद्वान हुए, उन्होंने अपने 6 शिष्यों को ये विद्या पढ़ाई, अग्निवेश उनमें प्रथम थे। तो अग्निवेश ने जो अग्निवेश संहिता बनाई जो आजकल चरक संहिता के रूप में है, उनके 5 सहाध्यायी और थे, भेलश्च जतुकर्ण पराशर हारित क्षारपाणि, इन 5 ने अपने अपने नाम की संहिताएँ बनाई, और वो 5 संहिताएँ अपने गुरुजी को सुनाई, गुरुजी ने सबका अनुमोदन किया और उनमें अपना अपना व्यक्तिगत वैशिष्ट्य था। अब उन 5 संहिताओं में आज हमारे पास केवल भेल संहिता खंडित रूप में उपलब्ध है, और चरक संहिता का तो मैंने बता ही दिया आपको, अग्निवेश संहिता का एक परिवर्धित रूप है। तो पहली संहिता अग्निवेश संहिता जो चरक संहिता के रूप में परिष्कृत होकर परिवर्धित होकर हमारे तक पहुंची है, दूसरी भेल संहिता, हारित संहिता के 1000 से ऊपर श्लोक हमें मिलते हैं पुराने ग्रंथों में, इति हारित है, परंतु मूल हारित संहिता लुप्त हो गई, बड़े दुख की बात है। जतुकर्ण संहिता 12वीं शताब्दी के निश्चलकर नाम के बहुत बड़े बंगाली वैद्य थे, उन्होंने कहा, अपनी टीका लिखी एक चक्रदत्त के ऊपर, उसमें लिखा है कि जतुकर्ण संहिता की 3 प्रतिलिपियाँ मेरे पास हैं, तीनों में मैं इस पाठ को मिलान करने के लिए देख रहा हूँ, तो ये इस रूप में शुद्ध है। तो इसका मतलब 12वीं शताब्दी तक जतुकर्ण संहिता उनके पास सुरक्षित थी। और क्षारपाणि संहिता भी हमारी लुप्त तो हो गई है, उसके बहुत से उदाहरण, सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं, इति क्षारपाणि, और पराशर संहिता के भी उदाहरण मिलते हैं, वो भी लुप्त हो गई। तो इस प्रकार से देखो, जो आयुर्वेद के आकर ग्रंथ थे उनकी भी रक्षा नहीं हो पाई है। कौमार भृत्य की बड़ी दिव्य संहिता है जो कनखल में लिखी गई थी वृद्ध जीवक के द्वारा, काश्यप संहिता, वो काश्यप संहिता किसी यक्ष के माध्यम से सुरक्षित थी, और यक्ष ने फिर उसका प्रचार किया, उसके बाद उसका प्रचार मंद हो गया, तो नेपाल के महाराजा के ग्रंथालय में वो हस्तलिखित रूप में ताड़पत्रों पर मिली और उसके कुछ अंश खंडित हो गए। तो बड़े दुख की बात है, इतनी उत्तम संहिता है, उसमें जो शिशु चिकित्सा है, मातृ चिकित्सा है, प्रसव इत्यादि की विद्या है, वो इतनी दिव्य रूप में दी गई है,
कि लोग आश्चर्य करते हैं आज उसको पढ़ के। वो पूरी संहिता हमारी अभी नहीं मिल रही, खंडित हो गई, काश्यप संहिता। और शल्य चिकित्सा के ऊपर वैतरण आदि ऋषियों ने भी अपनी संहिताएं बनाई थी, वो सब नहीं मिल रही। तो कितना साहित्य हमारा नष्ट हो गया। और आयुर्वेद में आज भी सैकड़ों नहीं हजारों मौलिक ग्रंथ हस्तलिखित रूप में उपलब्ध हैं, उनके संपादन की बड़ी आवश्यकता है। तो मैंने इस क्षेत्र में कुछ थोड़ा सा काम करने का प्रयास किया है, और वो एक आत्मसंतुष्टि की दृष्टि से किया है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातन। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे स्वांतः सुख की है। आत्मा को एक प्रसन्नता होती है कि जिन ऋषि मुनियों की कृपा से ये संस्कृत विद्या हमारे तक आई, हमें कुछ संस्कृत का ज्ञान मिला, तो हम इसका उपयोग करके पुराने ग्रंथों का शुद्ध संपादन करें, उनका प्रकाशन करें, उनकी रक्षा करें। तो ये जो ऋषियों की जो विद्या है ये आगे बढ़े, जितनी बची हुई है जितने ग्रंथ अब तक उपलब्ध हैं उन सब की तो सुरक्षा हो, उनका प्रचार हो, उनके शुद्ध संपादन हो, उनका अच्छा संस्करण छपे, उनके अनुवाद हों, उनका प्रचार प्रसार हो। मैं एक दिन एक बौद्ध ग्रंथ पढ़ रहा था तो उसमें एक विद्वान का उल्लेख किया है, ये क्षेमेंद्र की एक कल्पलता है। तो उसमें कहा, उसमें कुछ उस जमाने के विद्वानों का उल्लेख है, तो एक विद्वान का मैं नाम भूल रहा हूँ, उन विद्वान का उल्लेख किया कि इनके सामने जब पुस्तक आ जाती है तो वो पुस्तक अपने शुद्ध रूप में प्रकट होकर उज्ज्वल रूप में समाज को मिलती है। तो वो भाषा के, विषय के और संपादन कला के इतने सिद्ध हस्त विद्वान थे कि उनके हाथ में आई हुई पुस्तक शुद्ध रूप में समाज को मिलती है, ऐसा उस विद्वान का उल्लेख किया उन्होंने, क्षेमेंद्र आचार्य ने। तो एक ये बड़ी कला है कि पुरानी जो हस्तलिखित रचनाएं हैं उनको हम पढ़ें, उनको शुद्ध रूप में प्रस्तुत करें, उनका शुद्ध अनुवाद करें, लोगों को उस परंपरा के लिए आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। एक बड़ी एक कर्तव्य की निष्ठा की एक क्रिया है, ये बहुत अच्छा कार्य है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जब हम पुराने साहित्य के इतिहास को देखते हैं तो आश्चर्य होता है कि इतना विशाल, इतना गहन, इतना गरिमापूर्ण साहित्य हमारा था, और वो बहुत सा तो लुप्त हो गया। अब बहुत सा जो बचा हुआ है उसके प्रति भी यदि हमारी उपेक्षा होगी तो वो नष्ट हो सकता है। तो एक बड़ा कर्तव्य है संस्कृत जानने वाले का, तो विशेष रूप से एक कर्तव्य है, ये ऋषि ऋण है, ये हमारे ऊपर गुरु ऋण है कि जो रचनाएं उपलब्ध हैं उनके प्रति हम समर्पित भाव से ऐसा प्रयास करें कि वो अच्छे रूप में सुरक्षित रहें, संपादित हों, अनुवाद के साथ समाज में वो प्रकाशित हों। एक बड़ी कर्तव्य की भावना होनी चाहिए हमारी, और इसके द्वारा हम यथासंभव, ऋषियों का तो इतना अपार ऋण है हम उससे उऋण नहीं हो सकते, परंतु थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि हम आनृण्य को प्राप्त करने के लिए इस दिशा में प्रयास करें। मैं कुछ अपने संस्मरण आपको बताना चाहता हूँ। पतंजलि योगपीठ में आयुर्वेद का ये संपादन कार्य चल रहा है, उसमें तुच्छ सी सेवा मैं भी देता रहा हूँ। हमें एक पुस्तक मिली योग शतम। तो योग शतम एक ऐसी रचना है जिसमें आयुर्वेद के 100 सर्वश्रेष्ठ नुस्खे इकट्ठे किए गए, और ये रचना हुई बंगाल में 7वीं शताब्दी। अब जब हमने योग शतम को खोजना शुरू किया तो हमें 98 प्रतिलिपियाँ तो हमारे पास सुरक्षित हैं, कुछ और भी जानकारी मिल गई तो छोटी छोटी, सारी हमारे पास सुरक्षित हैं। 108 श्लोक की ये रचना है, तो इतनी प्रतिलिपियाँ लिखी गई घर घर में योग शतम। परंतु उन प्रतिलिपियों को देखकर थोड़ा कष्ट ये हुआ कि हस्तलिखित प्रतिलिपियों में अशुद्धियाँ बहुत आ जाती हैं, अब इसका शुद्ध संस्करण कैसे तैयार किया जाए। तो हमने सारी प्रतिलिपियों को पढ़ना शुरू किया और एक शुद्ध रूप आया। जब इन प्रतिलिपियों को खोजने का प्रयास किया तो संयोग व सौभाग्य से जोधपुर के प्राची विद्या प्रतिष्ठान में हमें रूपनयन नामक आचार्य की 12वीं शताब्दी की एक बहुत सुंदर टीका मिली, और इतनी सुंदर टीका हम तो आश्चर्यचकित रह गए। उसकी कोई चर्चा नहीं, उसका कोई उल्लेख नहीं इतिहास की, जो आयुर्वेद के इतिहास लिखे हुए हैं उनमें कहीं भी उनकी चर्चा नहीं है। परंतु जब हमने वो टीका देखी, इतने गौरवपूर्ण ढंग से वो टीका लिखी, उसमें महाभाष्य की शैली में पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, शंका, समाधान, इतना सुललित गद्य, और एक बिंदु के ऊपर परमाणु की झड़ी लगा देते, कितने श्लोक प्राचीन ग्रंथों के उद्धृत कर, इतनी सुंदर टीका। तो फिर हमें बड़ा आह्लाद हुआ कि अरे ये तो योग शतक का बिल्कुल परिष्कृत रूप सामने आ जाएगा। हमने प्रयास करके उसका पूरा बढ़िया संपादन किया शुद्ध रूप में, वो 5 प्रतिलिपियाँ हमें मिल गई बाद में। एक जोधपुर वाली थी, फिर और खोजना शुरू किया तो गंगानाथ झा में हमें 4 कॉपी मिली उसकी।
फिर हमें सिंधिया का जो कलेक्शन है ग्वालियर में, उसमें से एक कॉपी मिली, और उदयपुर में एक और पुरानी प्रतिलिपि मिली। तो इस प्रकार से अब देखिए 12वीं शताब्दी की रचना कितनी उपेक्षित थी और कितनी उत्तम रचना है। तो उसका पूरा संपादन हुआ, पूरा हिंदी अनुवाद हुआ, वो करीब करीब 500 पेज की पुस्तक पत्नलियोपीठ से छपी है। तो आप देखिए कितने अद्भुत रत्न हमारे दबे छिपे पड़े हैं। अब ये जो योग शतम है, अब इसमें आयुर्वेद के 8 अंगों के, काय चिकित्सा इत्यादि जो 8 अंग हैं आयुर्वेद के, उन 8 अंगों के जो सर्वश्रेष्ठ नुस्खे हैं, 100 नुस्खे वो दिए गए हैं। और वात पित्त कफ कैसे प्रकोपित होते हैं, कैसे शांत होते हैं, कैसे व्यक्ति इनको जानकर स्वयं ही अपने आरोग्य की रक्षा कर सकता है, तो इस प्रकार का बड़ा अद्भुत ज्ञान उसमें है योग शतम में। तो योग शतम पतंजलि से मूल रूप में भी छपी है अनुवाद के साथ, और ये जो टीका मैंने बताई आपको रूपनयन की, वैद्य वल्लभा टीका है, उसके साथ भी लगभग 500 पेज में छपी हुई है। तो इस प्रकार के दिव्य रत्न उपेक्षित पड़े हैं, और इसका मुख्य कारण एक ये है कि आज़ादी के बाद दुर्भाग्य से हमारे देश का शासन तंत्र उन लोगों के हाथ में रहा जो अंग्रेजियत सभ्यता में पले बढ़े थे, संस्कृत के प्रति जिनको निष्ठा नहीं थी, भारतीयता के प्रति जिनको श्रद्धा नहीं थी, वो पूरे देश को अंग्रेज जो लोग थे उन्हीं की सरणी, उन्हीं के संविधान, उन्हीं के रहन सहन, उन्हीं के खान पान, उन्हीं के आचार विचार की तरफ धकेल रहे थे। तो उन्होंने जानबूझकर संस्कृत की उपेक्षा की। नहीं तो आज़ादी के बाद ये संसद में ये बात उठी थी जब अपना संविधान बनाया जा रहा था कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या हो, तो अंबेडकर जो बहुत बड़े विद्वान थे उन्होंने ये कहा था कि इस देश की हजारों साल से राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा संस्कृत भाषा रही है। पुराने राजाओं के सारे जो शासनादेश थे, जो शिलालेख रूप में, ताम्रपत्र रूप में और अन्य प्रमाणों के रूप में हमें मिलते हैं, वो सारे संस्कृत में। तो इस देश की तो पुरानी भाषा ही संस्कृत रही है, तो संस्कृत भाषा होनी चाहिए। परंतु दुर्भाग्य से उनका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ। नहीं तो आप ये बताइए, जब गली गली में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हो सकते हैं, आप पूरी पीढ़ी को अंग्रेजी में धकेल करके अंग्रेजी पढ़ा रहे हो। अंग्रेजी तो हमारी भाषा, यद्यपि अंग्रेजी संस्कृत मूलक है, ये पूरा विद्वत समुदाय मानता है, जो भारतीय भाषा परिवार तय किया है भाषा वैज्ञानिकों ने, और वो जो भाषा विज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ वो भी संस्कृत के आधार पर ही हुआ है, तो वो सब मानते हैं। परंतु जो हमारी मातृभाषा है, प्रांतीय भाषा, जिसमें संस्कृत के ढेर शब्द हैं और उनकी मूल जो संस्कृत भाषा है, वो क्यों नहीं पढ़ाई के लिए विद्या के स्थान पर माध्यम के रूप में अपनाई गई? तो अब संस्कृत को भुलाया गया, संस्कृत को भुलाने से संस्कृति समाप्त हो गई, पुरानी जो हमारी परंपरा थी ज्ञान की वो उपेक्षित हो गई। तो अब कौन संपादन करे? अब हम तो चलो संस्कृत में आ गए, बचपन से हमारे पिताजी ने संस्कृत पढ़ाई हमें, हमारी बड़ी रुचि रही, हमने संस्कृत में ही खूब आनंद लिया पढ़ने पढ़ाने में, तो हम तो बड़ी उत्सुकता से उस काम को कर रहे हैं, करेंगे भी। परंतु पूरी पीढ़ी को तो संस्कृत से विमुख कर दिया, हम तो संस्कृत विद्यालयों में आए तो कितने संस्कृत विद्यालय। तो ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि संस्कृत को छुड़वा दिया गया। मैं कहता हूँ कि देश के कल्याण का एकमात्र मूल है तो वो संस्कृत है। संस्कृतम सकलानाम मंगलानाम मूलम। मैं जहाँ भी रहता हूँ, अब जैसे मेरे विश्वविद्यालय के पास पतंजलि का एक गुरुकुल है, कन्या गुरुकुल, तो आजकल मैं रहता हूँ, निवास मेरा वहीं है। तो जब मैं वहाँ गया देवप्रयाग परिसर में, तो स्वामी रामदेव जी महाराज ने कहा कि अब आप अपने गुरुकुल के पास वाले परिसर में आ गए हो, तो आप परिसर में न रहना, गुरुकुल में रहना, क्योंकि आपके रहने से हमारे गुरुकुल के बच्चों को कुछ लाभ मिलेगा। तो मैं गुरुकुल में गया, तो गुरुकुल में प्रवेश करते ही मैंने, वो कन्या गुरुकुल है, उसमें 5वीं से अभी 11वीं तक की कन्याएं पढ़ती हैं, तो जिस दिन मैं गुरुकुल में गया, तो गुरुकुल में प्रवेश करते ही मैं जो है बच्चों को ये कहता हूँ कि भाई अध्यापिकाओं को, आचार्य जी को, कि भाई आप सब बच्चों को बुलाओ, मेरे लिए आप आवास व्यवस्था करेंगे, मैं अपने कक्ष में बाद में जाऊँगा, पहले मैं एक संकल्प सबके साथ करना चाहता हूँ। तो मैंने सब कन्याओं को बुलाया, अध्यापिकाओं को बुलाया, सब लोग आ गए। मैंने कहा भाई आज से इस गुरुकुल की भाषा, व्यवहार भाषा संस्कृत भाषा होगी, और सबको प्रेरित किया, उत्साह दिया, और मैं जुट गया। सुबह शाम बच्चों में मैं अपने सेवा के साथ में उनको संस्कृत सिखाता, पढ़ाता, उनको प्रेरित करता। आज आप जाएंगे तो आपको बड़ा सुखद आश्चर्य होगा, वहाँ 5वीं से 11वीं तक की 130 कन्याएं हैं, और सारी कन्याएं 24 घंटे धारा प्रवाह संस्कृत बोलती हैं। उनकी संस्कृत भाषा ऐसी है जैसे कि उनकी मातृभाषा है, और बिल्कुल व्यवहार में आ गई।
नई कन्याएं वहाँ प्रवेश करती हैं प्रायः 25-30, तो हम उनको 7 दिन 10 दिन 15 दिन देते हैं कि 15 दिन तक आपको हिंदी बोलने की छूट है, ध्यान से सुनते जाओ, उसके बाद आपको संस्कृत ही बोलना है। तो वो 15-20 दिन में सारी बच्चियाँ नई जो गांव से आती हैं वो भी संस्कृत बोलने लगती हैं। तो अब जब संस्कृत हमारी व्यवहार भाषा होगी तो हम पुराने ग्रंथों को पढ़ पाएंगे, उनका संपादन कर पाएंगे, हमारे साहित्य को समझ पाएंगे, हमारी अध्यात्म विद्या को जान पाएंगे, हमारी जो विद्या शाखाएँ हैं उनमें प्रवेश कर पाएंगे। क्योंकि शब्द और भाषा ही तो ज्ञान का स्रोत है। वाक्यपदी में एक श्लोक आता है, न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमादृते अनुविद्धम इव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। तो बच्चा जब भी सीखता है माता से पिता से तो वो शब्दों से ही तो अर्थ को जानता है, और शब्द यदि हम नहीं जानेंगे तो हमें उस विद्या का कैसे बोध होगा। आचार्य हेमचंद्र जी ने एक श्लोक उद्धृत किया है कि व्याकरणात् पदज्ञानम पदज्ञानादर्थ निर्णयो भवति अर्थात तत्वज्ञानम तत्वज्ञानात् परम श्रेय। हम व्याकरण से पदज्ञान करते हैं, वैसे तो पदज्ञान व्यवहार से होना चाहिए, पर अब आप आज संस्कृत हम व्याकरण के माध्यम से पढ़ रहे हैं, परंतु पुरानी परंपरा ये है कि पहले भाषा आनी चाहिए व्यवहार में, उसके बाद उसका व्याकरण पढ़ना चाहिए। इसीलिए दक्षिण भारत में आज भी परंपरा है, जो भी व्याकरण शास्त्र को पढ़ना चाहता है उसको कहते हैं कि पहले पूरा रघुवंश पढ़ लो, उसके बाद आपको व्याकरण पढ़ाना शुरू करेंगे। तो पूरा रघुवंश इतना बड़ा विशाल काव्य है, उसमें भाषा के सारे प्रयोग आ जाते हैं, उसको जो जान जाएगा उसके बाद व्याकरण पढ़ना सरल होगा। और बाल्यकाल से पुराने समय में तो हमारे यहाँ पठन पाठन का माध्यम संस्कृत भाषा ही था, तो बाल्यकाल से हमें यदि विद्यालयों में संस्कृत माध्यम से पढ़ाया जाए, जब आप इतिहास को भूगोल को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा सकते हैं तो संस्कृत तो हमारी परंपरा की भाषा है, हमारी मातृभाषा में संस्कृत की शब्दावली रची पची है, उसमें क्यों नहीं पढ़ा रहे? ये अंध परंपरा क्यों चला रखी है देश में? इससे देश का बड़ा अनर्थ हुआ है। अरे कितने लोग विदेश जाते हैं जिनको आंग्ल भाषा की आवश्यकता, उनको सिखाइए, और अंग्रेजी भी क्यों, सारी भाषाएँ सिखाइए आप, वो जिनकी रुचि हो जिनका वो क्षेत्र हो, पर सबके ऊपर अंग्रेजी इतनी क्यों थोपी जा रही है, संस्कृत को क्यों हटाया जा रहा है? तो मैं कहता हूँ कि देश की शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा होना चाहिए। एक वैद्य मुंबई में है, मेरे परिचित हैं, बहुत महान वैद्य हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आज से 65 साल पहले जब हम वैद्य मिलते थे, कॉन्फ्रेंस होती थी, संगोष्ठियाँ होती थी, तो केरल से भी वैद्य आते थे, कश्मीर से भी, गुजरात से भी, राजस्थान से भी, तो हमारी गोष्ठियों में सारे वैद्य संस्कृत बोलते थे, सबकी संपर्क भाषा संस्कृत थी। अपने अपने प्रांत से आए हैं, वहाँ प्रांतीय भाषाएं चलती हैं, पर सभा में सारे वैद्य संस्कृत बोलते थे, क्योंकि संस्कृत माध्यम से आयुर्वेद को पढ़ते थे। अब बड़ा संकट हो गया, सन 1985 से एक शिक्षा मंत्री जो केंद्र सरकार में थे, मुसलमान थे और कुछ कम्युनिस्ट लोग थे, तो उन्होंने मिलके ये तय किया कि पहले आयुर्वेद में जो प्रवेश परीक्षा थी वो संस्कृत के आधार पर होती थी, भाई जो वरिष्ठ उपाध्याय वाले उनको आयुर्वेद में प्रवेश मिलेगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये संस्कृत वाले नहीं जाएंगे, आयुर्वेद में तो जो साइंस बायोलॉजी पढ़े हैं वही जाएंगे। उसके बाद से आयुर्वेद में संस्कृत ख़त्म कर दी, संस्कृत वालों का प्रवेश ही नहीं हो रहा। और आयुर्वेद में अब जो लोग आ रहे हैं ज़्यादातर वो MBBS करने के इच्छुक हैं, उनको यदि वहाँ प्रवेश नहीं मिलता तो वो आयुर्वेद में आ जाते हैं, अनमने ढंग से आते हैं, उनकी इच्छा नहीं, श्रद्धा नहीं, वो 4-5 साल आयुर्वेद को जैसे तैसे अंग्रेजी अनुवाद से हिंदी अनुवाद से ढोते हैं, पढ़ते हैं, और फिर जैसे ही वो उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है वैसे ही वो दुकान खोल के अपने आगे डॉक्टर लिखते हैं और 100% चिकित्सा एलोपैथी की करते हैं। तो आयुर्वेद के नाम से आयुर्वेद की जड़ खोद डाली, कितना भारी अनर्थ हो रहा है, ये बड़ा भारी संकट आयुर्वेद के लिए। आप हरियाणा में जाके देखो, राजस्थान में जाके देखो, BMS की दुकान पर कोई भी एक भी सिंगल मेडिसिन देसी नहीं देता, आयुर्वेद की नहीं देता, टोटल सारी अंग्रेजी दवाइयां देते हैं, अंग्रेजी सारे नुस्खे लिखते हैं। तो आयुर्वेद को क्या इतना दीनहीन समझ लिया है कि आयुर्वेद किसी रोग के उपचार के लिए काम का ही नहीं है? तो ये सरकार की गलत नीति से हुआ है। यदि हम उसी नीति को रखते जिस नीति में हमारे वरिष्ठ उपाध्याय वाले पहले जाते थे, हमारे छात्र बहुत से दादू विद्यालय के आयुर्वेद में गए और वो अच्छे वैद्य हैं, और उस जमाने के जो पुराने वैद्य हैं जैसे आदरणीय बनवारी लाल गौड़ जी और उनकी पीढ़ी के जो वैद्य हैं वो चरक सुश्रुत के इतने ज़बरदस्त विद्वान हैं, इतना अद्भुत उनका चिकित्सा कौशल है कि दुनिया दंग रह जाती है। तो वो सारी कुशलता समाप्त कर दी अब, क्यों कि बिना संस्कृत वाले आयुर्वेद में जा रहे हैं, तो कितना भारी अनर्थ हो रहा है।
तो ये बड़ी विडंबना है देश के लिए। मैं कहूँगा कि आयुर्वेद में तो जो दूसरे लोग हैं जो एलोपैथी वगैरह की तरफ जाते हैं जिनकी इच्छा है उनका बैन होना चाहिए भाई। आयुर्वेद में वो आएंगे जो संस्कृत के छात्र हैं, जो 12वीं तक संस्कृत पढ़े हुए हैं, और उनमें भी जो पारंपरिक संस्कृत पढ़े हुए हैं, वरिष्ठ उपाध्याय वाले हैं, प्राकशास्त्री शास्त्री वाले हैं, या जो उत्तर मध्यमा वाले हैं, वो लोग ही आयुर्वेद में आएंगे जो संस्कृत के अच्छे विद्वान हैं। एक बात बताओ, चरक सुश्रुत भेल ऋषि जिनकी चर्चा की, वो साइंस बायोलॉजी पढ़ के आयुर्वेद के विद्वान हुए थे क्या? उन्होंने इतनी गूढ़ गहन विद्या आयुर्वेद की जिसके लिए पूरा विश्व दीवाना है, तो वो विद्या साइंस बायोलॉजी के माध्यम से सीखी थी क्या उन्होंने? तो वो तो हमारा जो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, अध्यात्म विद्या, उसके आधार पर जो हमारी पदार्थ विद्या थी, द्रव्य विद्या थी, निघंटु विद्या थी, उसके आधार पर वो इतने उच्च कोटि के वैद्य बने और उन्होंने इतने बड़े अमूल्य ग्रंथ दिए हमारे को। तो उस परंपरा को छोड़कर क्यों नई पीढ़ी को बर्बाद करने पे तुले हो? आयुर्वेद का सत्यानाश करने के लिए क्यों तुले हो? आयुर्वेद का उद्धार तब होगा जब संस्कृत वाले आयुर्वेद में जाएंगे। और ये संकट मैंने विशेष रूप से अनुभव किया क्योंकि आयुर्वेद की इतनी ज़्यादा पांडुलिपियाँ हैं, उनका संपादन करने वाले आजकल ख़त्म हो गए। जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं या जो हमारी तरह भूले भटके संस्कृत के थे, आयुर्वेद में उनकी रुचि है, तो वो संस्कृत जानने वाले आयुर्वेद में काम कर रहे हैं। क्यों? आयुर्वेद में तो संस्कृत खत्म कर दी सन 1985 से, तो आयुर्वेद जो जानते हैं थोड़ा बहुत अंग्रेजी के माध्यम से, वो संस्कृत नहीं जानते, तो वो पांडुलिपियों का संपादन कैसे करेंगे? और जो संस्कृत जानते हैं वो सोचते हैं कि हम तो साहित्य आचार्य हैं, हमें आयुर्वेद से क्या लेना, तो आयुर्वेद में जाते नहीं। तो आयुर्वेद का जो इतना अपार ग्रंथ भंडार है हस्तलिखित रूप में, वो तो उपेक्षित पड़ा है, अब संपादन कार्य हो ही नहीं रहे। पहले हमारे बड़े बड़े विद्वान थे, जैसे यादव जी, त्रिकम जी का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने चरक संहिता का संपादन किया, सुश्रुत संहिता का संपादन किया। आपको मालूम है वो पहले व्याकरणाचार्य थे, बाद में साहित्याचार्य थे, फिर भिषगाचार्य वैद्याचार्य हुए, और उन्होंने 45 ग्रंथ तो मैंने देखे हैं, एक सीरीज है उसमें उनके पहली बार संपादित हैं उस जमाने में 45 ग्रंथ, और भी ज़्यादा उनकी संख्या हो सकती है। और वो इतने बड़े विद्वान थे कि उन्होंने स्वयं आयुर्वेद के जो नए प्रसंग थे उनको श्लोकबद्ध मोटे मोटे ग्रंथों की रचना की है, मौलिक ग्रंथ रचे उन्होंने। तो वो कौन थे जो साहित्याचार्य व्याकरणाचार्य से आयुर्वेद में गए थे? वो लोग थे। तो अब आयुर्वेद का यदि हमें उद्धार करना है तो आयुर्वेद में बाकी को बैन करना पड़ेगा, संस्कृत के शास्त्रीय आचार्य जो उत्तर मध्यमा वरिष्ठ उपाध्याय वाले हैं उनको ही आयुर्वेद में प्रवेश देना होगा, तब आयुर्वेद का पुनरुद्धार हो सकता है। अब आप देखिए, चरक है, सुश्रुत है, अब ये 12वीं तक जिसके पास संस्कृत नहीं थी वो अंग्रेजी वाले आयुर्वेद में गए, अब वो कितने संस्कृत सीख लेंगे? उनका एक पेपर है संस्कृत का, वो एक पेपर में कितने संस्कृत सीख लेंगे और उस संस्कृत से वो कितना आयुर्वेद का वैदुष्य प्राप्त कर लेंगे? अरे चरक की, सुश्रुत की विशाल टीकाएं हैं, समय का मैं ध्यान तो ठीक है। तो मैं यही कह रहा था कि संस्कृत के माध्यम से यदि हम नई पीढ़ी को पढ़ाएंगे तो इन पांडुलिपियों का संरक्षण होगा। आयुर्वेद के बारे में कह रहा था कि चरक संहिता की आयुर्वेद दीपिका टीका है, अब उसको समझने वाले कितने विद्वान रहे? सुश्रुत संहिता की डल्लन वाली निबंध संग्रह टीका है और बहुत सी टीकाएं हैं, उनको समझने वाले कितने विद्वान रहे? तो इन पांडुलिपियों का उद्धार कौन कर पाएगा? तो वो संस्कृत वाले ही कर पाएंगे। इसलिए इस पांडुलिपि की जो निधि है इसको बचाने के लिए हमें और सरकार को भी ये प्रयास करना होगा कि संस्कृत का प्रचार प्रसार अधिक हो, इनकी सुरक्षा हो, इनका संरक्षण हो और इनका संपादन हो। आप सब लोग इस मिशन में लगे हुए हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और इसी के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपने अपने संपूर्ण वक्तव्य में संस्कृत, पांडुलिपि, भारतीय इतिहास, परंपरा, वैदुष्य सबको समाहित करते हुए और हमें एक दुर्लभ ज्ञान राशि प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आगे अध्यक्ष उद्बोधन के लिए और मार्गदर्शन के लिए मैं निवेदन करता हूँ अध्यक्ष महोदय को कि आप हम अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। नमः। परम सम्मान्य आज के इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता प्रोफेसर विजयपाल जी शास्त्री साहब, विश्व गुरुदीप के अधिष्ठाता से ये कहूँ कि समग्र संस्कृत और संस्कृति का को उजागर करने में अहर्निश योगदान देने वाले परम आदरणीय ज्ञानेश्वर गुरु जी, पांडुलिपि के क्षेत्र में अपने समर्पण के साथ नवाचार करने वाले
डॉक्टर सुरेंद्र जी शर्मा और पांडुलिपि के क्षेत्र में लगे हुए विद्यार्थीगण, आज की जो व्याख्यान माला हुई है उसमें हमें नया संदेश और नया पथ्य और प्राप्त हुआ है, जो कि बार बार हम ये कहते हैं कि पांडुलिपि साहित्य की आत्मा है, पांडुलिपि हमारी आत्मा है, हमें उसका संरक्षण और संवर्धन करना है, क्योंकि इसमें निमज्जन करके हम ज्ञान गंगा की अनेक धाराओं को प्रवाहित कर सकते हैं। आज के उस उद्बोधन में भी हमें ये बात प्राप्त हुई है। आवश्यकता है इस मिशन में संपादन करते समय एक दो पांडुलिपि नहीं लेकर के उस विषय से संबंधित जितनी भी पांडुलिपियाँ हैं उन सब का अवलोकन करके पाठ शुद्धि के साथ साथ उसके अर्थ को प्रकट करने की, जैसा कि आपने 12वीं शताब्दी के योग शतम के बारे में ही सुन लिया कि कितनी पांडुलिपियों को एकत्रित करके 108 श्लोकों की पांडुलिपि का संपादन का कार्य हमारे प्रोफेसर साहब ने किया, तो सोचे कि उन पांडुलिपियों का संग्रह करने में कितना पुरुषार्थ करना होगा, किया होगा आपने, उस पुरुषार्थ से हम प्रेरणा लें। आज एक बहुत बड़ी बात की आवश्यकता है कि संविधान की संरचना करने वाले अंबेडकर जी, जिनका आज भी संविधान चला आ रहा है, जिन्होंने संस्कृत भाषा को रखा था हमारे संविधान के अंदर और उसको हटा दिया गया, बार बार सरकारी मिशन के द्वारा या अन्य संस्थाओं के द्वारा आज नैतिकता का जो पतन हो रहा है उसमें संस्कृत साहित्य की आवश्यकता को, संस्कृत जो कि हमारी देवों की भाषा है उसकी महत्ता को तो महसूस किया जा रहा है, लेकिन उसको पूर्ण रूपेण लाया नहीं जा रहा है। तो संस्कृत अकादमी, विश्वगुरु दीप और वैदिक हेरिटेज शोध संस्थान तीनों मिलकर एक मिशन ये तो चालू करें कि हम लोग स्वयं संस्कृत के अध्ययन में लगें और छोटे स्कूल एक पाठ्यक्रम तैयार करें, जैसे हमारे वेदाश्रम बने हुए हैं उन्हीं वेदाश्रमों में या फिर अलग से हम संस्कृत पाठशालाओं को खोलने का क्रम करें। चाहे हम एक बार शुरुआत में एक दो पाठशाला ही खोलें पर वो बच्चा वहाँ आकर अध्ययन करें, तो जो बात कही गई है कि संस्कृत में बातचीत करके व्यवहार से व्याकरण की ओर आने की बात, और जब हम व्यवहार से व्याकरण में आएंगे तो व्यवहार में जाने पर ही हमारे जो नैतिक मूल्य हैं हम उनको पूर्ण रूपेण से समक्ष ला सकेंगे। समय की सीमा, लेकिन मैं एक बात कह दूँ, कोई भी पांडुलिपि का विषय इस प्रकार का नहीं है जिसका यदि हम अध्ययन कर लेते हैं तो पुरातन में नवीनता का समावेश करके हम नया नवनीत उपस्थित कर सकते हैं। जब आप आयुर्वेद की चर्चा कर रहे थे तो कैंसर को अर्बुद कहते हैं और उसके ऊपर आपको पांडुलिपियाँ भी मिलेगी, जबकि हम उस ज्ञान के अभाव के कारण ये कह देते हैं कि कैंसर इतने साल में आया है, पता नहीं ये कैसी बीमारी आई है जो कि जानलेवा हो रही है, जबकि उस और अब कह रहे हैं कि नहीं इसकी दवाई आ गई है और कुछ सुरक्षा भी हो सकती है। आवश्यकता है इन प्राचीन ग्रंथों में निहित ज्ञान को उजागर करने की, वो तभी आप उजागर कर पाएंगे, हम उजागर कर पाएंगे और लोग उजागर कर पाएंगे जब पांडुलिपियों के ज्ञान के प्रति श्रद्धा हमारे अंदर होगी, पढ़ने की जिज्ञासा होगी और उस जिज्ञासा के साथ एक सही दिशा निर्देश के साथ हम संपादन करके और उस कार्य को अपने प्रकाश में ला पाएंगे। इसके लिए आप जो लगे हुए हैं पांडुलिपि के संरक्षण और संवर्धन में, आप लोगों का आज दायित्व और बढ़ गया है कि संरक्षण और संवर्धन के साथ संपादन की कला की और भी अग्रसर हो। मैं हमारे सम्मान्य प्रोफेसर विजय पाल जी शास्त्री को पुनः आमंत्रित करना चाहूँगी, कभी आप समय लेकर पधारें, हम त्रिदिवसीय या पंच दिवसीय एक सेमिनार का आयोजन पांडुलिपि संपादन और शोध के ऊपर करें, तो तीनों संस्थाएं मिलकर के इस कार्य को करेंगे। उसमें हमें क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी नहीं देखनी है, तो समयबद्ध तरीके से उसमें एक पाठ्यक्रम बनाकर चलेंगे। तो हमारा जहाँ जहाँ पांडुलिपि का कार्य हो रहा है, जैसे बीकानेर में भी प्रारंभ हो गया,
उनको भी लेकर आएंगे। मैं किन शब्दों में अभिनंदन करूं, साधुवाद करूं आप द्वय का? प्रोफेसर विजयपाल शास्त्री जी ने सीमित समय होने पर भी, और आपका अनेक कार्यक्रम है, लेकिन हमारे इस विनम्र अनुरोध को मान करके सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम की प्राथमिकता यहाँ दी, ये आपके संस्कृत के प्रति निष्ठा का पूर्णतया द्योतक रूप है। ज्ञानेश्वर गुरुजी अहर्निश दिन रात कभी भी आपको संस्कृत और संस्कृति की बात के लिए कह दें, आप ये नहीं कहते कि आपको पूर्व में सूचना देनी चाहिए थी मेरा ये कार्यक्रम है, आप तुरंत संपूर्ण संसाधन उत्पन्न कराते हैं। तो हम भी आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि चाहे अकादमी हम कितने रूप तक काम करेंगे, लेकिन ये अपनी अनश अविरल धारा प्रवाहित होती रहेगी। समय समय पर अपन चाहे महीने में 15 दिन में एक छोटी सी संगोष्ठी भी करें, करके कुछ नया आयाम उपस्थित करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आप द्वय का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। सुरेंद्र जी जो कि दिन रात पांडुलिपि मिशन में लगे हुए हैं, नए नए विद्यार्थी तलाश रहे हैं और तराश रहे हैं, तो आपका हार्दिक अभिनंदन। और विद्यार्थी आप लोग विशेष रूप से अभिनंदन के पात्र हैं कि इस युवावस्था में अन्यत्र कहीं नहीं जाकर स्वयं का संशोधन कर रहे हैं संस्कृत भाषा के माध्यम से और अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं। तो जब आपकी संस्कृति बचेगी तो परिवार भी होगा उज्ज्वल और हमारा समाज और राष्ट्र में आप कुछ देन रखने वाले बनेंगे, तो आपका भविष्य उज्ज्वल रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।